मिर्ची भरवा अचार किसे नहीं पसंद होती है और सभी घर में बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे घर में हमारी नानी दादी मम्मी बनाया करती थी। तो मैं देखा करती थी बहुत ही सिंपल से वो लोग बनाते थे, तो बस वही रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते बनाना और लंबे समय तक इसे कैसे रखें। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मिर्ची ली हुई है, या चावल मिर्ची है, ठंड में आराम से मिल जाती है। तो मैंने मिर्ची को अच्छी तरह से वॉश करके एक सूखे कपड़े से मैंने ऐसे अच्छी तरह से पोंछ लिया है। तो सबसे पहले हम मिर्ची को क्या करेंगे कि जो एंड पार्ट जो होती है डंठल वाली, उसको हम इस तरह से नाइफ से कट करेंगे। तो आप इस तरह से कट करें ताकि बीज है जो मिर्ची के अंदर वो आसानी से हम निकाल सकें। तो बस इसी तरह से हमें कट करना है। तो मिर्ची का अचार फ्रेंड्स सभी जगह में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे घर में जिस तरीके से ये अचार बनाए जाते हैं बस वही रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह मिर्ची को बीज जो है मैंने यहाँ पे खाली कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से निकाले ताकि अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहे, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर खाली कर लिया है। अब हम सभी मिर्ची को सेम इसी प्रोसेस से बीज निकाल के अलग करेंगे। अगर आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर नाइफ के जगह आप इस तरह से चम्मच के जो पीछे वाली भाग होती है उससे भी आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्या होगा कि मिर्ची कटने का डर नहीं रहेगी। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है चाकू चलाने का तो आप इस तरह से चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो पीस इसी तरह से खाली कर लिया है, सभी को हम इसी तरह से खाली करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी मिर्ची को अच्छी तरह से खाली कर दिया है। अब इसे हम 1 घंटा के लिए धूप में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें जो मॉइस्चर है पानी वो अच्छी तरह से सूख जाए। और यहाँ जो मैंने मिर्ची जो निकाला है बीज को, तो इस तरह से हम बीज को अलग करेंगे। अगर चाहे तो फ्रेंड्स आप इस मसाले में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बीज को ही डालूँगी फ्रेंड्स मसाले में मिक्स करके। तो इस तरह से बीज को निकाल लें, आप बाकी जो बचे हुए हैं उसको आप फेंक सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे अलग करना है चाकू की हेल्प से। तो देखिए मैं इस तरह से इसे अलग कर रही हूँ और इसे भी हमें धूप में सुखाना अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे फाइनली सभी को अलग कर लिया। अब हम लेंगे एक बड़ा थाली, उसमें हम डाल देंगे मिर्ची बीज को और चारों तरफ से इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि धूप में आसानी से सूख सके। तो देखिए मैंने इसे फैला दिया है, अब इसे हम धूप में रखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कांच के जार, तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब इसे हम साफ़ कपड़े से यानी कि कोल्ड ड्रिंक कपड़े से इसे हम अच्छी तरह से पोंछ देंगे। और पोंछने के बाद फ्रेंड्स इसे हम 1 या 2 घंटा के लिए धूप में अच्छी तरह से इसे सुखाएंगे ताकि जार के अंदर बिल्कुल पानी न रहे। अगर पानी हल्का सा भी रहेगा फ्रेंड्स इसमें अचार डालेंगे तो क्या हुआ कि लंबे समय तक नहीं रहेंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, फफूंदे लग जाएंगे। तो आप इन टिप्स को ध्यान दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अचार बनाने में। तो देखिए मैं इस तरह से इसे साफ़ कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छी तरह से इसे पोंछ लिया है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया है, अब इसे हम धूप में रखेंगे अच्छी तरह से सूख जाने के लिए। तो जब तक ये सूख रहा है फ्रेंड्स तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी तरह के मसाले लिए हैं जो मैंने अचार में यहाँ पर यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर सभी मसाले को अच्छी तरह से ले लिया है। क्वांटिटी फ्रेंड्स यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 4 से 5 पीस सूखा मिर्च का यूज किया है, आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से टेस्ट लेगा ज़्यादा फ्रेंड्स, आप ज़रूर डालिएगा। तो सभी को हम इस तरह से इसे रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैन को गर्म करके रखा था पहले ही, और सभी मसाला यहाँ पर हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी को डाल दिया है, अब इसे हम 2 या 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तब भूनने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 2-3 मिनट के बाद अच्छी तरह से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो समझ जाइए आप अच्छी तरह से मसाला भून चुकी है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच में। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जो आता है ना सूखी वाली, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मसालों को अच्छी तरह से भून रही हूँ, देखिए कलर अपने आप चेंज होते जा रहे हैं, खुशबू भी अच्छी तरह से बाहर आ रही है। बस इसी समय हम गैस को ऑफ करेंगे और मैंने यहाँ पर पैन में करीब तेल चढ़ा दिया है।
तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 2 कप तेल का यूज़ किया है। तो तेल में धुआँ आ गया, हम बंद कर देंगे। और मसाले भी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए बड़े मिक्सर जार। तो मसाले को फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा ग्राइंड, ज़्यादा मतलब बारीक नहीं करना, हल्का दरदरा ही रहेगा जार में। तो देखिए मैंने यहाँ पर मसाले को डाल दिया, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसे मसाले को दरदरा बारीक इसे कर लिया है। अब लेंगे एक बड़े बर्तन जिसमें हम मसाले को मिक्स करेंगे। तो इसमें हम मसाले को डाल देंगे और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम डालेंगे मिर्ची के बीज जो मैंने इसे ड्राई करके रखे थे। देखिए अच्छी तरह से सूख चुकी है, अब इसे भी हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डाल भी सकते हैं। आधे छोटे चम्मच में यहाँ पर डालूँगी हींग और साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप डाल सकते हैं। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो नमक फ्रेंड्स इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालें क्योंकि अचार में थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाले जाते हैं, तो अपने हिसाब से ही डालें। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए इसे मिक्स करेंगे। तो तेल अच्छी तरह से यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स हल्का गुनगुना ही तेल रहना चाहिए, तभी इस तरह से मसाले में हम मिक्स करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे तेल को डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाथों से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्लव्स लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैंने मिर्ची डाला है तो हाथ में जलन भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से स्पैचुला से ही मिक्स करूँगी फ्रेंड्स। तो तेल अब कम ही डाले फ्रेंड्स, ज़्यादा गीला गीला नहीं होना चाहिए, नज़र ड्राई होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ही तेल इसमें डाल सकते हैं। और जो मिर्ची मैंने धूप में रखी हुई थी वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब हम चलते हैं मसाला भरने के प्रोसेस में। तो इस तरह से इस चम्मच से आप भर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथों से भी भर सकते हैं। तो जितना मिर्ची में आए मसाला उस हिसाब से आप भर सकते हैं। तो बहुत ईजी है अचार बनाना फ्रेंड्स, एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये पराठे में या रोटी में या अपना मनपसंद रेसिपी के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपका मन इच्छा करें। और आप इस अचार में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप आराम से कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बनाए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे मेरे तरीका में मेरे दादी नानी मम्मी बनाया करती थी, और मेरी शादी के बाद मैं यहाँ पर अपने सासू माँ के देखी थी कि मेरी सासू माँ इसी तरह से बनाती है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इस रेसिपी को आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिर्ची में अच्छी तरह से मसाले को यानी कि स्टेप कर लिया है इसी तरह से। बस आप इसी तरह से सभी मिर्ची में मसाले को भर लें। मिर्ची में मसाला भरने के लिए आप छोटे चम्मच का या छोटे स्पून का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से भरा जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे भरकर रेडी कर लिया है, बस सभी को हम इस तरह से भर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सभी मिर्ची में मसाले को इस तरह से भर लिए है। अब इसे हम रखेंगे 1 घंटा के लिए धूप में। आप चाहे तो यहाँ पर 2 घंटा भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर धूप से सुखाने के बाद बिल्कुल मिर्ची इस तरह से हो चुकी है, हल्का ड्राई हो चुके हैं इस तरह से देखिए। अब बोतल जो मैंने यहाँ पर रखा था कांच का धूप में, वो भी ड्राई हो चुकी है। अब हम इसमें अचार डालेंगे जो मैंने मिर्ची भरी हुई थी। मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि जब भी आप अचार बनाएं तो आप कांच के जार में बनाएं, चाहे आप आम का अचार बना रहे हैं या नींबू का या मिर्ची का, जो भी अचार बनाएं फ्रेंड्स आप कांच के जार में ही डालें। तो कांच के जार में डालने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा होता है कि आप सालों साल तक लंबे समय तक अचार को स्टोर कर सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगा, जल्दी फफूंदे नहीं होंगे। तो आप जब भी बनाएं फ्रेंड्स कांच का जार में ही इस तरह से अचार बनाएं, प्लास्टिक में ना बनाएं, तो आप इन बातों का ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फाइनली सभी को मिर्ची को कांच के जार में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल जो मैंने गरम करके रखे हुए थे। तो तेल अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, अब हम ऊपर से तेल डाल देंगे, क्योंकि तेल डालने से फ्रेंड्स क्या होंगे कि अचार लंबे समय तक अच्छी तरह से टिके हुए रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक इस तरह से डाल दिया है। अगर अचार के जो मसाले आप भरे हुए हैं वो अगर बचे हुए हैं तो इस तरह से ऊपर में डाल सकते हैं। अगर चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप तेल और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 से 2 दिन के बाद भी इस तरह से गरम करके तेल इसमें डाल सकते हैं। बस इस तरह से ढक्कन लगा देंगे, धूप में रखने के लिए रेडी है।
तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब इसे हमें धूप में रखना है। तो धूप से रखने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि इस तरह से आप धूप में नहीं रखें, ढक्कन के साथ में ढक्कन हटा लें और इस तरह से आप कॉटन कपड़ा लें, इस तरह से गोलाकार में काट लें और इस तरह से ढक्कन हटाने के बाद इस तरह से आप कपड़ा रख दें और एक रबड़ को इस तरह से लगा दें ताकि धूप में रखने के बाद अचार जल्दी अच्छी तरह से गल सके। तो एक सप्ताह आप इसे धूप में इस तरह से रखें फ्रेंड्स, उसके बाद कपड़े हटा के आप ढक्कन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप इसे धूप में रख देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर धूप में रख दिया है। अगर रेसिपी पसंद है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।